अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अली मुनव्वर आपकी खदमत में हाजिर है और मेरे हकम में सर सैयद स्कूल है, महाजर कॉलोनी, हीराबाद, हमीदपुरा कॉलोनी, मुख्तलिफ नाम है इसके। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं और आपकी पसंदीदगियों का बहुत शुक्रिया। नॉर्मली बात हो सकती है कि मैं कहूँ कि इस तरह की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी और उसके लिए लाजिम है कि सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इस तरह से नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। नॉर्मली सारे यूट्यूबर ऐसे ही करते हैं मुझे भी कहते रहते हैं कि यार इस तरह से करें आप, मैंने कहा ये मेरे मिजाज से हटकर है, थोड़ा रोबोटिकल हो जाएगा, थोड़ा मैकेनिकल टाइप चीज़ हो जाएगी, तो मेरे मिजाज में शायद ये कुछ चीज़ें कम है इस तरह की, ताकि मैं काम करता हूँ उन चीज़ों के साथ जो कि सर अंदर से निकलती हैं, आमद के साथ खुद से आ जाएं जो चीज़ें, बनावट ना हो उनमें, कोई मसनूईपन ना हो, सिंपल, ठीक है। तो मैंने सैयद फर्रुख रिजवान साहब को कॉल की भी है, वो आने वाले हैं, यही एड्रेस है, तो वो आ जाएं, उनसे मिलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि सैयद साहब हैं कौन, कहाँ से आए हैं और हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। मेरे साथ रहिएगा। तो ऑल व्यूअर्स, मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि मैं यहाँ एक शख्सियत से मिलने आया हूँ, मेरी पहली मुलाकात थी, आपके साथ भी पहली मुलाकात है। सर नाम बता दें अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फर्रुख रिजवान है और मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। अली मुनव्वर साहब की जो काविशें हैं तो बहुत सराहता हूँ और देखा मैंने इनकी काविशें और जो इनकी मेहनत है, बड़ी खुशी हुई। सर सर कह रहे थे कहाँ थे ये बताएं जरा, लोग फिर कनेक्ट कर पाएंगे, आप कहाँ रहते थे? मैं सर सैयद रोड पे जो मौजूदा रजा फर्नीचर मार्ट की लाइन है उसमें घर था एक जिसका नंबर था 2328 घर, मकान नंबर 2328 सर सैयद रोड मीरपुर खास, वो हमारे घर का एड्रेस था और कल मैंने वहाँ विजिट भी किया था। अच्छा, उसके आगे मैं अपने घर की सारी और मैं रजा फर्नीचर मार्ट के जो ऑनर हैं इस वक्त नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उनसे भी मुलाकात करके आया हूँ और मेरे घर के आगे जो गली इन्होंने दिखाई थी वाली को जाती है, मुझे देख के जो है बड़ा अफसोस हुआ कि उसमें उसकी क्या हालत हो गई, कोई उसके लिए वो नहीं है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो डेवलपमेंट के काम और जिस तरह की पूरे मिपुखास की सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं है। तो कितने साल पहले सर यहाँ से आप मुंतकिल हैं? मैं यहाँ से अपनी तालीम के लिए 1984 में चला गया था हैदराबाद, फिर वहाँ से तालीम मुकम्मल करके मैं कुछ अर्सा सऊदी अरब रहा, फिर वहाँ से 1997 में वापस आके लाहौर से। यानी कि मीरपुर खास से आप बाकायदा 84 से निकले हैं सर, 84 में कभी कभार आना जाना तो रहा होगा लेकिन आप यहाँ से शिफ्ट हो गए। बिल्कुल, यहाँ पे मेरा मुस्तकिल आना जाना था लेकिन मेरी बहन एक यहाँ पे महाजर कॉलोनी में रहती हैं जहाँ अभी हम मौजूद हैं सही के साथ, तो बाकी ये कि आना जाना अभी इस वक्त जो है वो काफ़ी अर्से के बाद आना हुआ है। चले उनको 3-4 खुश आमदीद, वेलकम टू द ओन योर ओन सिटी, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने शहर में, आप जहाँ भी रहें। सर चलते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट हो जाए, कुछ थोड़ी देर बैठ के गपशप करते हैं, ठीक है? हमारे साथ रहिएगा, किसी नज़दीकी होटल ढूंढते हैं कोई। ये है तो ये सामने महाजर कॉलोनी है सारी, इस वक्त स्पोर्ट्स ग्राउंड है और इस तरफ एक होटल है, होटल पर आ चुके हैं। सैयद साहब आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ सैयद साहब आ जाएँ। तो यहाँ पर बैठ कर कुछ मीरपुर खास की चाय पीते हैं और पिलाते हैं सैयद साहब को भी, आ जाएं सैयद साहब। ऑल व्यूअर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे आगे मज़ीद भी साथ रहने वाले हैं। सैयद फर्रुख रिजवान साहब, सब तारुफ तो उन्होंने करवा दिया है, चाय पी लिए, खासी तवील नशिस्त हुई, गपशप हुई, बहुत सारी चीज़ें जो मीरपुर खास की यादें थी सैयद साहब की वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। सैयद साहब जाते हुए आप चले जाएंगे आज लाहौर, जुड़े तो रहेंगे, कुछ कहना चाहें सर? नहीं, मैं मुनव्वर के तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो इनकी एफर्ट्स को जो है वो सराहें और इनके साथ कोऑपरेट करें और जो ऐसी चीज़ें जो मुझे नहीं पता, जो मुनव्वर को नहीं पता, जो आप लोगों को पता है, जो मीरपुर खास के बारे में है, जो लोगों को जोड़ सकती है, जो कनेक्ट कर सकती है एक दूसरे के साथ, और वो शेयर करें ताकि जो है लोग रास्ते में आएँ, लोगों के मसाइल हल हों, वसीला बने। मुनव्वर भाई, किसी की अगर एक आंसू भी पोंछ दिया हमने
तो बस अल्लाह ताला नुक्ता नवाज है। सर बस यही खुलूस खुलूस के साथ। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। पहली मुलाकात थी लेकिन आखिरी नहीं है यकीनन, आखिरी नहीं है। और लाहौर से जुड़े हैं मीरपुर खास की मोहब्बत में। सर ग्रेट, थैंक यू बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सैयद साहब जा रहे हैं, हम मौजूद थे महाजर कॉलोनी, ये सामने मुनीर स्वीट, और इस होटल पर हमने चाय पी है और यहाँ तकरीबन एक घंटा हम लोग बैठे हैं। सामने ये कौन सी कॉलोनी, हमीदपुरा महाजर कॉलोनी, सारी अपन मामू यहीं रहते थे। चलो खान नाके से चले, हाँ खान नाके से चलते। चलो भाई, सलीम साहब हैं मेरे आज के बाइक राइडर। चलो आ जाओ भाई, ठीक है। तो मोहतरम सैयद फर्रुख रिजवान साहब से जो बातचीत हुई, बहुत मज़े की बातचीत, वो सारी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। बहुत मासूम बचपन की वो सारी यादें, कहाँ जाना, कहाँ घूमना, कहाँ गोलगप्पे वाला, और किन के घर बचपन में खेलने जाना, बचपन के दोस्त, वो सारी बातें। बड़ा खुश हुए और हमें भी बहुत खुशी हुई कि हमारे इस चैनल के तवस्सुत से। सर अब सोच सकते हैं यार कि सैयद साहब कहाँ लाहौर रह रहे हैं, 84 में मीरपुर खास छोड़ चुके हैं, और फिर अब वो मीरपुर खास हमारी वीडियोस के ज़रिए। सर कमाल हो गया। अब मैं जा रहा हूँ खान नाका, ये हाँ, फिर यहीं से होकर मुझे एक और जगह भी जाना है, थामसाबाद। हाँ यहीं से हम लोग थामसाबाद जाएंगे। एक हैं सुहेल साहब, बहावल नगर में रहते हैं वो, ये खान नाका है। पहले खान नाका दिखाएं फिर सोहेल साहब की बात करें। ये रिंग रोड है, वही महाजर कॉलोनी वाला, ये सामने महाजर कॉलोनी है, और ये खान शहर की तरफ जा रहा है रोड, काहू जो दड़े के पास से गुजर जाएगा, और इसके आगे हैदर टाउन है, और ये वाला रास्ता ये कहाँ जाएगा अंदर, ये रास्ता अंदर कहाँ जाएगा, थामसाबाद शहर, वही यहीं से थामसाबाद निकल जाएगा ना, वो कायम खानी हॉस्टल भी था यहाँ पर। तो ये खान नाका है, देख लें भाई जिसने खान नाका नहीं देखा। तो सुहेल साहब हैं जो, मैं बाइक पर हूँ यार, सुहेल साहब रहते हैं बावल नगर में, उनकी ससुराल है यहाँ पर महाजर कॉलोनी में। उन्होंने वो स्क्रीनशॉट भेजा था मुझे, वो वीडियो उन्होंने देखी है, तो अब मैं जा रहा हूँ वहाँ। तो लीजिए सुहेल साहब, आप बावल नगर या बावलपुर, बावल नगर रहते हैं ना, आपने कहा था ये बिल्डिंग दिखाइएगा। तो ये जो थामसाबाद की गुलशन मॉस्क है, वो भी इधर सामने है, और ये वो बिल्डिंग है। तो इसमें या इसके साथ आपकी ससुराल यहाँ है, बड़ी बात है भाई, ससुराल याद आई है आपको, है माशाल्लाह से। तो रابطہ करते हैं आपसे भी, और यहाँ से अगर किसी से हमारी बात हो पाए। तो सुहेल साहब, मैं यही है वो घर जिसकी आपने मुझे बताया था, लोकेशन सेंड की थी आपने मुझे, तो मैं पहुंच चुका हूं यहां पर, और आपके कज़न सामने बैठे हैं। आपका नाम क्या? जिब्रान। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है यार। भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? हाँ भाई, हाँ। तो ये देख लें जिब्रान साहब, सुहेल साहब, और ये आपका वो घर है, और जिब्रान साहब से मेरी मुलाकात होगी। आपने कॉल करनी थी, वो कॉल नहीं की, और अभी आप कॉल उठा नहीं पा रहे, शायद कहीं मसरूफ़ या बिज़ी हैं। तो बहरहाल मैं एक बार फिर से आपकी ये फैमिली रिलेटिव जो है उनका घर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जिब्रान भाई? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो सुहेल साहब, थामसाबाद की ये गली, इस तरफ गुलशन मस्जिद, वो सामने आपको उसका मीनार नज़र आ रहा होगा, और ये है आपके ससुराल वाला घर। अब सबसे बुरी जो चीज़ है ना, यहाँ पर कचरा कुंडी है, और ये बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन बामरे मजबूरी दिखाना तो है। तो मोहतरम आकिब साहब, ये है हैदराबाद रोड, सामने पुलिस लाइन, पुलिस स्टेशन, और ये सामने एक पेट्रोल पंप हुआ करता था जो कि अब बंद हो चुका है। सामने कुछ वोकला, और यहाँ पर जोंग फ्रेंचाइज, उसके साथ शिमला, और ये वाला कॉर्नर जो है ये गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का, सलीम साहब। और ये है वो गली जिसके बारे में आपने कहा कि जो चाकी पाड़े तक जाती है, लेकिन ये गली हाँ सराफा बाज़ार से होते हुए, यहाँ से तो और बहुत सारे लोगों की यादें वाबस्ता होंगी,
ख़ास तौर पर अकरम भट्ट साहब, यूसुफ भट्ट साहब, क्योंकि ये गली अकब में निकलेगी डिस्ट्रिक्ट जेल के, है ना, वहीं से जाएगी ना चाकीपाड़ तक। चलें, चलते हैं इस गली के अंदर। सलीम साहब आ जाए। तो ये वो गली है, और थोड़ी सी एक मिस्टेक ये हुई कि सुहेल साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, वगरना वो हम थोड़ा और डिटेल में, तो काइंडली थोड़ा सा आपको भी पाबंदी करनी पड़ेगी ना कुछ चीज़ों की। तो अगर जब आप मुझे बताते हैं, और अगर आप रबते में रहना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। वक्त मुख्तसर होता है, अब तकरीबन 12 बजने वाले हैं, मुझे शॉप पर भी जाना है, तो ये गली रिकॉर्ड करके आज सलीम साहब मेरे साथ हैं, तो सलीम साहब के साथ बाइक पर चलते हैं और इस गली के इख्तिताम तक, ठीक है। मुझे पैदल ये गली रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि सलीम साहब हमें मिल गए। तो बाइक पर चल रहे हैं, और ये सामने वो वाली बिल्डिंग जो एक पहले भी वीडियो में आ चुकी है, और हमारे मेहरबान ने मुझे इसके बारे में डिटेल भी बताई थी, लेकिन वो मैं भूल चुका हूँ कि ये ग्रीन बिल्डिंग जो है, इसमें अब कौन सी फैमिली रहती है, या फिर कभी यहाँ पर कोई स्कूल भी हुआ करता था। और ये वही डिस्ट्रिक्ट जेल के अकब वाली गली है, और नूरशाह कॉलोनी भी सलीम साहब इसके आगे आ जाएगी ना। हाँ, और ये चाकीपाड़ा है, ये सुनार गली। अच्छा हाँ, ये सुनार गली, सही 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 सही, ये सुनार गली है, और ये वो बिल्डिंग है ग्रीन वाली ना, सही। हाँ, ये मोहम्मद अली साहब का घर तो पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो चाकीपाड़े को कौन सी गली जा रही है? ये आगे चाकीपाड़े को जाएगी गली, ठीक है। ये आकिब उस्मान साहब ने कहा था कि यार ये वाली गली वहाँ से जोंग फ्रेंचाइज से होकर आप हमें दिखा दीजिएगा, हालांकि यहाँ से मैं इससे पहले कई बार आ चुका हूँ। और ये बड़ी यूनिक मस्जिद है सलीम, ये पहले भी हमने दिखाई है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है, थोड़ी डिफरेंट है ना, अलग से अंदाज की है। चाकीपाड़ा कहाँ है? ये चाकीपाड़ा, बस यहीं से चलो, यहीं से घूम के वापस चलते हैं सेटेलाइट टाउन। अरे हाँ, ये चाकीपाड़ा आ गया ना, वो सामने मंदिर, ओ सही 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 सही, फिर घूम के वहीं आ गए, ठीक है। इस मंदिर की एक पिक्चर खींचे यार, ठीक है, यहाँ से रोशनी सही मिले हमें। और ये वो दाई पाड़े में आ गए, दाई पाड़े के साथ फिर चाकी पाड़ा है, ठीक 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 ठीक। टीबी वाला अस्पताल। अच्छा, ये टीबी वाला हॉस्पिटल होता था यार, अब भी है? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसकी फ़ोटो खींचे यार, लेकिन यहाँ से फ़ोटो सही आएगी नहीं, उस तरफ से सही आया शायद, हाँ उधर से आए, ये ना शाम को खींचने वाली है फोटो यहाँ की। तो ये चाकीपाड़े नाईपाड़े के साथ मैं उस गली से आया हूँ, ये मंदिर है, और ये हिस्टोरिकल मंदिर है, तारीखी, इससे पहले भी हम एक वीडियो में दिखा चुके हैं, आबाद नहीं है अभी, ये यहाँ पर नीचे घर है, ये लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन मंदिर अभी तक मौजूद है। चलो सलीम साहब चलते हैं अभी। तो वो गली रिकॉर्ड हो गई है आकिब साहब आपकी, शिमला बेकरी के पास से मैं बहुत बार गुजरा हूँ यहाँ से ना, कभी अंदर नहीं गए, कभी रिकॉर्ड नहीं की, आज जाने वाले हैं, आज आपको शिमला बेकरी भी दिखा देते हैं अंदर से, ठीक है। तो आ जाए, इसके इर्द गिर्द से बहुत बार मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ से गुजर कर अंदर वो किले वाली वीडियो, और इसके अलावा कैफ़े शराज की, कितनी बार यहाँ से गुजरे हैं, कभी अंदर आने का इतफाक नहीं हुआ, बल्कि एक बार तो इनकी चेयर पर बैठकर भी वहाँ वीडियो बनाई थी सामने। तो सलीम साहब कुछ खाना है? बड़ी मज़े की चीज़ें यहाँ पर, मैंने और भी मिठाई की दुकानें, ख़ास तौर पर MD में, मुनीर स्वीट में, वहाँ भी जा चुका हूँ,
लेकिन यहाँ मैंने कुछ बड़े यूनिक किस्म के आइटम देखे हैं ना खाने के, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको मिठाई के आइटम दिखाऊँ, मैं आपको कुछ नमकीन आइटम दिखाना चाहता हूँ। सर क्रीम रोल टाइप पेटिस, ठीक है, और ये पराठा रोल पराठा टाइप चीज़ें हैं। सर ये थोड़ी सी मुझे बताइएगा, ये क्या चीज़ें हैं? ये रोल पराठा, मैं सही पहुंचा था, ये रोल पराठा है। और उसके साथ ये वाली, ये सर किस चीज़ का ये है? ये आरपीएन पिज़्ज़ा है। आरपीएन पिज़्ज़ा सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नाम मालूम नहीं थे। और सर ये सब पिज़्ज़ा हैं, ठीक है ना? आपको वैसे पिज़्ज़ा वहाँ से, जैसे KFC से ख़ासतौर पर, इस तरह के जिंगर बर्गर, ये सारी वैरायटी, ये अभी आपने रखी है पहले से? नहीं, अभी शुरू से। सर हमारी नालायकी है कि हम बहुत दिनों बाद आए आपके पास, बहुत क्लास की चीज़ें हैं, रेट भी इनके तकरीबन 200-250 ऐसे ही है ना इनके रेट, 300 के अंदर अंदर रेट हैं इन सब के। ये सब प्लेटें जो लगी हुई हैं देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, खा के भी चेक कभी कर लेंगे, फिलहाल तो पता नहीं कुछ। ठीक है सर, सर ये क्या चीज़ें हैं? ये सैंडविच हैं, गुड, क्लासी चीज़ें हैं सारी माशाल्लाह से, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ब्राउनी खाने में भी अच्छी लगेंगी, ठीक है। और नीचे केक हैं, क्योंकि असल में शिमला जो है ये बेकर्स थी सबसे पहले, इनका काम बेकर्स से शुरू हुआ था, तो बेकर्स के अच्छे आइटम हैं इनके पास ना, केक वगैरह। सर ओ हो सलीम बेटा, ये तो पूरा लंच है यहाँ पर हैं। ये मिठाई तो है, ठीक है, पिस्ता हलवा सबसे मशहूर है, पिस्ता फोटो का भी मशहूर है अपना भी, और उसके बाद केक, ठीक है। तो ऑल व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुतफर्रिक चीज़ें थी, सैयद फर्रुख रिजवान साहब से मिलना था, बहुत सारी बातें तो उनकी आप, हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वो पर्सनल थी, बैठ के बहुत मज़ा आया। और वो गली, वो घर जो सुहेल साहब ने हमें भावलनगर से कहा, और उसके अलावा वो गली आकिब उस्मान साहब ने कही, और शिमला कुछ दिखा दी हमने आपको, अच्छे हैं, मिठाई का आइटम अच्छे हैं, बेकरी का आइटम अच्छे हैं, अगर आप रहते हैं इर्द गिर्द तो ज़रूर। सामने मेरे दीनू बारबेक्यू, सर थोड़ा सा दीनू बारबेक्यू दिखा देते हैं आप, ये सामने देखिएगा, सामने दीनू बारबेक्यू रेस्टोरेंट, ठीक है, उसके साथ दीनू बारबेक्यू टेस्ट और क्वालिटी का वाहिद मरकज, अच्छा है, उसके साथ जेम खाना है सिटीज़न, और फिर कॉन्वेंट है, और ये इलाका मुख्तियार का ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट जेल, ठीक है, और ये यहाँ पर है शिमला, और आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। तो आप तमाम मेहरबान व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, तमाम जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, फर्दन फर्दन नाम लेना खासा मुश्किल हो जाता है, इतने मेहरबान जुड़े हुए हैं, जितने हमारे मेहरबान हमें मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, कोशिश मेरी होती है कि सबको पहली फुर्सत में जवाब दिया जाए। सर सर आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जहाँ भी रहते हैं, बल्कि कल मेरी काफ़ी डिटेल बात हुई, हमारी बहनें हैं कुछ रेलवे कॉलोनी खरड़ो लाइन में, वो रहकर उनके वालिद साहब रेलवे में मुलाजिम थे, फिर वो लोग चले गए गुजरात लाला मूसा, और फिर वहाँ से उनकी शादियाँ हो गई, अब वो कुछ सियालकोट में हैं, कुछ किसी और शहर में हैं, याद करती हैं मीरपुर खास को, वो मैंगो सिटी के आम ख़ास तौर पर जब उनके अब्बा यहाँ मुलाजिम होते थे, फिर वो सारा कुछ बचपन का एनवायरनमेंट, खुश रहें सर, आप कहीं भी रहते हों, बहन बेटी भाई हमारे बुज़ुर्ग, मीरपुर खास की तरफ से, बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर की तरफ से, आप सब के लिए सलामती की ढेरों दुआएं सर, बहुत शुक्रिया, लव यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।